यह दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के दावों की कलई खोल रही और इसके संग ही इंसानियत को भी शर्मसार कर रही, जब अपने बीमार बेटा को खून की व्यवस्था करवे के लाने माँ को जेवर बेच के जिला अस्पताल में रिश्वत देने पड़ी। इसके बाद भी उनके बेटा को खून नहीं मिल पाओ और माँ परेशान रही। अब हड़कंप मचे है जब यह खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से इनकार नहीं करे जा सकत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लगातार दौरा करके इन व्यवस्थाओं की खुदाई पोल खोल रहे हैं और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को सही करवे के लाने सरकार कोशिश तो कर रही, लेकिन इतने तैनात कर्मचारी केवल पैसा ऐंठने में लगे हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का रूप माने जात, वे भी खुलेआम रिश्वत लेवे से बाज नहीं आ रहे। ऐसा एक मामला महोबा के जिला अस्पताल में देखने को मिले, जब एक बुजुर्ग माँ अपने तड़पते बेटे के लाने खून को इंतजाम करवे के लाने गुहार लगा रही थी और उसके संग एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने खून दिलावे के नाम पे 5,000 रुपया की ठगी कर डाली। श्रीनगर थाना क्षेत्र के भड़रा गांव की रहने वाली राम कुमारी अपने बड़े बेटा जुगल के बीमार होवे पे उनके इलाज के लाने बीते सोमवार को महोबा के जिला अस्पताल लेके आई। बीमार पुत्र को देखते ही साथ तैनात डॉक्टर ने खून की कमी बताई और खून चढ़ाए जावे के लाने कही। जिला अस्पताल में खून की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे में पीड़िता परेशान हो गई। जिला अस्पताल में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी राजकुमारी ने इसको फायदा उठाओ और महिला से 5,000 रुपया खून दिलावे के एवज में ले लें और भरोसा दुआओ कि उके बेटा को खून चढ़ा दो जे। लेकिन बुजुर्ग महिला को का पतो हतो कि महिला स्वास्थ्यकर्मियों के संगे धोखा कर रही और उके बेटा को ग्लूकोज में लाल रंग को इंजेक्शन मिला के चढ़ा दो। अनपढ़ महिला के संगे महिला स्वास्थ्यकर्मी ने 5,000 रुपया की ठगी कर डाली। अब ये बीमार हते तो भर्ती करवा दे थे हमने, हैं एक पंडित आए थे तो उनने भर्ती करवाया था राजू महाराज, हैं तो हमने अपने कान के बेचे इतनी है भाई जब भोलू सुबह अपने भड़रा चले गए गांव की यहाँ इतनी रहा थे हवेली दरवाजे, हैं तो कान के बिकवाए हमने दो अंगूठी और कान के, जब भी पैसा आए हम आए। किस लिए बेचे वो? क्यों बेचना? खून के लाने कि खून चढ़ेगा हमारे लड़का ठीक हो जाएगा। हैं किसने चढ़ाया खून? कोई नहीं चढ़ाया, वे कात नहीं राजकुमारी मैडम कि पैसा जमा कर दो सो हम खून चढ़वा देंगे मिलेगा जैसे, और उन्हें खून उन नहीं मिला है, हमको झटका मारते रहे दो दिन से। हैं तो फिर वो आके इंजेक्शन लगा दे और ये बोतल में पानी भर के वो चढ़ा गई जल्दी जल्दी और फिर हमें बुला ले गई कमरे में, कहती तुम हल्ला ना करियो को से। कितने पैसा लगे? 5,000 पूरे। आपने किसी से कहा नहीं? हमने इसे नहीं कहा कि चलो खून चढ़ेगा, जब खून न चढ़ाए जब बोलेंगे हम। क्या उन्होंने चढ़ाया? कुछ नहीं, ये पानी चढ़ा दिया ये दो ठो इंजेक्शन डाल के। इन महिला की माने तो जिला अस्पताल में इनके बेटा को भर्ती करवे के एवज में भी 200 रुपया ले गए और रोजाना इंजेक्शन लगावे के नाम पे भी 100 रुपया वसूले गए। पीड़ित बताऊ थे कि उनके पास अपने बेटा के इलाज करवे के लाने पैसा नहीं है तो हम तो 200 रुपया दे देते थे। उसके बाद कितने पैसे लिए गए बाद में? 5,000 जमा करे हमने खून के लाने। और रोजाना कितने पैसे लगते? रोज लगते रहे, कहते रहे 200 रुपया आज दे दो पहले दिन और फिर कहती 100 रुपया देते जाना और इंजेक्शन डाल जाए हम। और सरकारी अस्पताल में भी निशुल्क इलाज की उम्मीद लेके पहुंची थी, लेकिन सिस्टम की दोहरी मार ने उनको तोड़ दो। एक माँ को अपने बेटा की जान बचावे के लाने कान की बाली और अंगूठी बेचने पड़ी। इसके बाद भी जिला अस्पताल में तैनात भगवान को आए जावे वाले स्वास्थ्य कर्मी इनको दिल नहीं पसीजो। इनको बेटा जिंदगी और मौत के बीच जिला अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में बुजुर्ग महिला के संग ठगी को मामला चर्चा को विषय बने हैं। अब जिम्मेदार जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं और बुजुर्ग महिला को हर मदद को भरोसा दुआ रहे हैं कि उसने बाले बेचे, उसने बताया जरूर कि उसने गहने बेचे हैं, बट उस पे हम पूरा विस्तार से उसका सब लिखित ले रहे हैं और जो अभियुक्त गण जिनको वो बता रही तो उस पे उनको बुलवा के और फिर उनके इनसे लिखित लेके और विधिक दंडात्मक कार्रवाई जो सुनिश्चित। ये महिला अपने बच्चे को लेके सोमवार से भर्ती है लेकिन इसने आज तक कभी किसी को नहीं बताया कि 100 रुपए लिए 200 रुपए लिए, और आज भी जब इसके इतने बेचारी ने जब ये गहने बेचे तब ये जानकारी, दुख तो स्वाभाविक है और हम लोग को सबको हुआ है और
मतलब इस पे जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो करेंगे और इसका जो भरपूर इलाज है वो पूरा होगा और जो संभव मदद होगी इसकी वो यहाँ पे अस्पताल में हम लोग करेंगे। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पे ले आने को दावा कर रही, लेकिन इनके विभाग के कर्मचारी इस तरह की ठगी कर रहे कि एक बुजुर्ग माँ को भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर इनकी इंसानियत और इनके कर्तव्यों पे आखिर क्या टिप्पणी करी जाए। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार के लाने। अब एक साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल ₹36,000। कॉल करें 7747068666 पर। श्रीजी साइन बोर्ड, LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।